नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। स्वच्छ भारत मिशन के लिए विद्यार्थियों के पंजीकरण के मामले में हरियाणा प्रदेश सबसे आगे। हरियाणा राज्य स्वच्छ भारत मिशन के एक कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांव में 100 घंटे कार्य करने के लिए विद्यार्थियों के पंजीकरण के मामले में हरियाणा देश में पहले नंबर पर है। फरीदाबाद जिले से इस मिशन के लिए 669 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ है, जो राज्य में सर्वाधिक है। यह जानकारी आज यहां पर सुभाष चंद्र ने सभी जिलों में स्वच्छ भारत मिशन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया गया, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों ने गाँव में 100 घंटे काम करेंगे और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे ताकि हरियाणा ODF फ्री रहे। उन्होंने नोडल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 15 अगस्त तक विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करें और 15 अगस्त तक 3 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों के नाम संबंधित जिला उपायुक्त को दें और जिला स्तर पर उन्हें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर विद्यार्थियों को सम्मानित भी करवाएं। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत विश्वविद्यालय स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को 30,000 रुपये, 20,000 रुपये तथा 10,000 रुपये, राज्य स्तर पर 50,000 रुपये, 30,000 रुपये और 20,000 रुपये, राष्ट्रीय स्तर पर 2,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये और 50,000 रुपये की राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। वहीं इग्नू के सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर धर्मपाल ने इस मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी जानकारी नोडल अधिकारियों को दी और सभी अधिकारियों को 15 अगस्त तक पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने के लिए निर्देश दिए। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट।